तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। मुरादाबाद से इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। मुरादाबाद में भीषण आग लगी, वैक्स फैक्ट्री में भीषण आग की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। मुरादाबाद के कटघर इलाके की घटना है, राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं मुरादाबाद से। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में उठता धुएं का गुबार साफ तौर पर इस तरफ तस्दीक कर रहा है कि आग कितनी भीषण होगी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है, राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मुरादाबाद में भीषण आग का तांडव आपकी टीवी स्क्रीन पर। वैक्स फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर यह आग लगी है। आग बुझाने में फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है। लाखों का नुकसान आका जा रहा है। तो खबरों की ओर रुख करेंगे। यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात राजभवन में होगी और करीबन 11 बजे होगी। राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात के लिए राधा मोहन कल देर शाम लखनऊ पहुंच चुके हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा हो सकती है। यूपी की सियासत के लिहाज से यह बातचीत बेहद खास है। इस दौरान यूपी के तमाम सियासी अटकलों को भी जोर मिलता जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरीके से पिछले दिनों बैठकों का दौर लगातार जारी है, जेपी नड्डा कल उन्होंने जिला प्रभारियों के साथ में मीटिंग करी है, हालांकि 2022 को लेकर के वो मीटिंग बताई गई, राधा मोहन सिंह आज राजधानी लखनऊ में है और राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे इसी बीच। बिल्कुल पूजा, देखिए जो बैठकों का दौर राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चला था उसके परिणाम आने लगे हैं। आज उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और साफ तौर पर आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल विस्तार पर बीच का रास्ता निकाला गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के करीबी ए के शर्मा को खास जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में। इसके अलावा जो जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस खराब रहा है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसी जातियां हैं जिनको शामिल किया जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा पूजा कि जिस तरीके से पिछड़ों की नाराजगी साफ तौर पर इस बात को लेकर थी कि सरकार और संगठन में उनकी जो हिस्सेदारी है वो अपेक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं पिछड़ों और दलितों को खास फोकस हो सकता है इस मंत्रिमंडल विस्तार या फिर अन्य जो फिर पंचायतों के महासचिव या फिर निगमों के अध्यक्ष बनाए जाएंगे उनमें खास तरजीह दी जा सकती है। लेकिन बात फिर वही साफ है कि अब 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व की बात योगी आदित्यनाथ इतनी मानेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं और जो नामों की सूची संगठन उनको सौंपेगा उन लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह देने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, और 2022 के चुनावों को अगर ध्यान में रखा जाए तो कई ऐसे जातीय समीकरण हैं, कई ऐसे समीकरण हैं जिनको साधने के लिए भी कैबिनेट विस्तार बेहद जरूरी है और शायद ये बात योगी आदित्यनाथ समझ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो यूपी की सियासत को लेकर के अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म है। कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है, इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोरोना महामारी से उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखने की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों का बेहतरीन परिणाम भी मिल रहा है। कोरोना के कम होते संक्रमण दर को देखते हुए अब बरेली और बुलंदशहर को भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दे दी गई है। इन जिलों में भी कोविड के सक्रिय मामले 600 से कम बताए जा रहे हैं। प्रदेश में अब कर्फ्यू से राहत पाने वाले जिलों की कुल संख्या 67 हो चुकी है। दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी के समाप्त होने के बाद सोमवार से इन दोनों जिलों को भी सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से निजात मिलेगी। इन जिलों में साप्ताहिक और नाइट कर्फ्यू सहित अन्य सभी कोविड प्रोटोकॉल लागू रहने वाला है। वहीं सूबे में कोरोना से हुई कुल मौतों के आंकड़ों में से करीबन आधी मौतें मात्र 13 जिलों में हुई हैं। ये सोचने की बात है। इन जिलों में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, रायबरेली को छोड़ दें तो बाकी के सभी 10 जिले मंडलीय मुख्यालय हैं। दूसरी तरफ सूबे में अग्रणी हैं।
इनमें तीन ऐसे जिले हैं जहां पूरे कोरोना काल में अब तक 50 से भी कम संक्रमित लोगों की कोरोना से मौत हुई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिन 13 जिलों में कोरोना से सर्वाधिक मौतें हुई हैं, वहां अभी भी संख्या में मौजूद सक्रिय केसेस राज्य सरकार के लिए भारी सिरदर्द बने हुए हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 4 जून तक कुल 21,031 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। इनमें 13 ऐसे जिले जहां कुल मौतों की संख्या की आधी से भी ज्यादा 10,654 लोगों की मृत्यु हुई है। जानकारी की माने और सूत्रों के हवाले से जो पूरी जानकारी मिल रही है वो ज्यादा मौतें होने का मुख्य कारण इन सभी जिलों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होना है। वहीं कोरोना वायरस का संक्रमण उत्तर प्रदेश में अब तेजी से कम होता भी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ 13 जिलों को छोड़ दें अगर तो पिछले 24 घंटे में 1,092 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब पॉजिटिविटी रेट 0.3% रह गया है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना से संक्रमित 120 और रोगियों की मौत हुई। अब तक कुल 5.10 करोड़ लोगों की कोरोना जांच कराई जा चुकी है। अब प्रदेश में 19 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के 100 से कम मरीज हैं, तो वहीं 8 जिलों में 50 से भी कम रोगी पाए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में रिकवरी रेट 97.06% है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया। यूपी में अब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई है। अब तक टीके की पहली डोज 1,66,00,000 और दूसरी डोज 36,26,000 लोगों ने लगवाई। जून महीने में 1 करोड़ टीका लगाए जाने को लेकर के चलाए जा रहे महाअभियान का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल पहला टीका लगवाने के बाद लोग दूसरी डोज लगवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। टीकाकरण में सबसे ज्यादा उत्साह 18 से 44 साल के नौजवानों में नजर आ रहा है। 1 जून से उन्हें सभी जिलों में टीका लगाया जा रहा है और लगातार टीकाकरण में तेजी भी देखने को मिल रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कई ऐसी भी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप कह पड़ेंगे कि ऐसे कैसे होगा वैक्सीनेशन। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शहर से लेकर गांवों तक वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इसी वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों से डर का इन्फेक्शन भी फैल रहा है। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है इटावा जिले से। यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम जब गांव की बुजुर्ग अम्मा के पास पहुंची, अम्मा वैक्सीन के नाम पर घर में एक ड्रम के पीछे छिप गई। अम्मा अम्मा बताएगी यहाँ आपके घर है? अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा बताएगी बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ बताएगी बुला रही। अम्मा के इस डर से आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के अंदर ये डर किस कदर घर कर गया है। आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे, बाहर चलो मिलो तो, आपको किस क्या बता रही है सुनो तो कम से कम। बाबे अम्मा डरवा दे, मां मैं डर रहा हूं। हैं टीका हम कहीं ना गए का बता, कारण बताओ। हम नहीं जा गए, कारण बताओ, कारण बताओ। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अम्मा को वैक्सीन के फायदे गिनाए। वैक्सीनेशन कर रही टीम के साथ भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया भी लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में वैक्सीन को लेकर डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां एक ओर उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन को लेकर रोजाना नए ऐलान कर रही है,
पहले ही मिशन जून के तहत 1 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद जुलाई में 3 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य तय किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ विधायक मंत्री भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन ये डर है कि हटने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में वैक्सीनेशन का इतना बड़ा महाअभियान कैसे संभव होगा, कैसे लगेगी वैक्सीन और कैसे हारेगा कोरोना। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में शनिवार को कर्मचारियों ने संविदा समाप्त करने के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया। बल्कि कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि संस्थान में 9 कर्मचारियों की संबद्धता खत्म करने को लेकर मामला गरमाया हुआ है। कर्मचारियों की मांग पर संस्थान के निदेशक ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया, साथ ही निदेशक ने सोमवार तक मसला सुलझाने का वादा भी किया है। इसके बाद कर्मचारियों का गुस्सा शांत हुआ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि संबद्ध 9 कर्मचारियों की गलत सूचनाएं उच्च अधिकारियों को भेजी गई हैं। इस वजह से इन्हें प्रतिनियुक्ति नहीं मिल रही है। अब कोरोना काल में इनकी संबद्धता खत्म की जा रही है, ये गलत है, इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। शासन स्तर पर माननीय सचिव के साथ हुई बैठक में सहमति बनी थी कि जब विलय हुआ था उस समय के सारे कर्मचारी जो लोहिया के हैं वो लोहिया में ही रहेंगे और उनको कहीं पृथक नहीं किया जाएगा। अभी 30 तारीख को सीएम द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि 9 लोग जो संबद्ध हैं उनको रिलीव कर दिया गया। इससे कर्मचारियों को काफी आक्रोश हुआ कि आज पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि छात्र छात्राओं को जो हेल्थ वर्कर्स की कमी है और चिकित्सा शिक्षा विभाग में आज लोहिया संस्थान में सीएमएस के द्वारा जो उनके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको यहाँ से पृथक किया जा रहा है क्योंकि पूर्णतः गलत है। औरैया के हिस्ट्री शीटर जिला पंचायत सदस्य और सपा नेता धर्मेंद्र यादव को कल यानी कि शनिवार को जमानत पर इटावा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल गेट पर उन्हें लेने के लिए 1-2 गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन जेल से निकलते ही जैसे ही दोनों गाड़ियां हाईवे पर रुकी, यहां धीरे धीरे करके करीबन 100 गाड़ियों का काफिला तैयार हो गया। धर्मेंद्र यहां से खुली ऑडी में खड़े हुए और काफिला हाईवे से औरैया की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस को जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए धर्मेंद्र यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि ये सवाल कि सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने जमानत मिलते ही कुछ ही मिनटों बाद फिर से कानून और नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं। नेताजी को ना पुलिस का डर है ना प्रशासन का खौफ है, और कोविड के नियमों को तो भूल ही जाइए, इन तस्वीरों से कतई पता नहीं चलते। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर राम कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राम, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? किन धाराओं में इन तमाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? और गाड़ियां तो 100 के करीब संख्या में है, तो कितने लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज होगा? बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जेल से रिहा होने के दर्जन यादव की जैसी सूचना मिली थी, वैसे ही तुरंत वहाँ पे संभवता के मौजूद जेल गेट पर पहुंचे हुए थे। उसके बाद में जैसे ही रिहाई होने के बाद में लगभग सैकड़ों गाड़ियां जो है वहाँ धर्मन यादव को बैठा कर खुली गाड़ी से जैसे ही निकले, वैसे पूरी तरीके से कोविड-19 की जो गॉड गाइडलाइन थी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों में भी अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से वहाँ पर जिस तरीके से खिड़कियों में लोग जो सपा कार्यकर्ता खिड़कियों में लटकते नजर आ रहे हैं, उनको ना ही कोरोना का डर है ना ही यातायात नियमों का कोई भी पालन करते नजर नहीं आ दिखाई दिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो संवाददाता जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ी हैं, और ये तस्वीरें इसलिए भी बेहद जरूरी हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोरोना काल के पहले की तस्वीरें, तो आपको बता दें आप बिल्कुल गलत हैं। हो सकता है कि आप भ्रमित हों क्योंकि इनमें से किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है,
कोई भी कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो आपको लग सकता है कि ये तस्वीरें पहले की हैं, लेकिन ये कोविड काल की तस्वीरें हैं, वो काल जिसमें आप गंगा में तैरती हुई लाशें देख रहे हैं, शमशान घाट में जलती हुई चिताएं देख रहे हैं। उसी दौर में सोचिए ये तस्वीरें कितनी लापरवाही भरी हुई है। मिशन 2022 से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। सूबे के हर मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव सोशल मीडिया से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत देखें तो उनको कुछ और नजर आएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार के 4 सालों में पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे ज्यादा काम किया गया है। सरकार ने जो नजीर पेश करी है उसमें एक ही स्थल प्रयागराज में 8 घंटे में अधिकतम पौधे वितरित करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में 4 सालों में 39,42,00,000 पौधारोपण किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ऋषि शर्मा पर 1,00,000 का इनाम भी रखा था। ऋषि शर्मा शराब कांड के बाद से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर अभी नहीं थमा है। यहां अब तक शराब के कहर से मौत का आंकड़ा 102 के पार पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस कांड को लेकर 1 हफ्ता का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या कम पड़ जाने का उल्लेख करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर पहली लहर के बाद विशेषज्ञों और संसदीय समिति की चेतावनियों के अनसुना करते हुए अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या आखिरकार क्यों घटाई गई। कांग्रेस महासचिव ने सरकार से प्रश्न करते हुए अपने अभियान जिम्मेदार कौन के तहत फेसबुक पोस्ट में ये पूछा कि क्या देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री निवास और नई संसद का निर्माण है। आपको बता दें प्रियंका गांधी यहां पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जिक्र करती नजर आई हैं। बाइक बोट घोटाले से जुड़ी गाड़ियां बरामद करने के बाद अब लखनऊ पुलिस और मामले की जांच कर रही है। आर्थिक अपराध शाखा के बीच क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है। लखनऊ पुलिस दावा कर रही है कि उसने अपने सूत्रों और सर्विलांस सिस्टम से जानकारी हासिल करी है और कार्रवाई करी है। दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू का कहना है कि उसने 1 महीने पहले लखनऊ पुलिस को गाड़ियों और उसे छिपाकर रखने वालों के नाम के साथ पूरी जानकारी साझा करी थी। आपको बता दें लखनऊ पुलिस ने शुक्रवार रात छापेमारी कार्रवाई करते हुए निगोहा और कैंट क्षेत्र से बाइक बोट घोटाले से जुड़ी 147 बाइक्स बरामद करी हैं, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि लखनऊ पुलिस को इन गाड़ियों के बारे में अपने सूत्रों से जानकारी हासिल हुई। वहीं डीजी ईओडब्ल्यू आरपी सिंह ने बताया है कि उनकी शाखा मामले की जांच बहुत पहले से कर रही है और ये जानकारी लखनऊ पुलिस के साथ में उन्होंने 1 महीने पहले ही साझा करी थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई अभी तक नहीं करी। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल।